हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलिये। ये हमने आधा किलो से ज्यादा आलू लिए हैं। इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करके काट लिया है गोल टाइप से। अब हम कतलिये बनाना शुरू करते हैं। आलू की कतलिये हम कुकर में बनाएंगे। कुकर को हमने गैस पे रख दिया है, तेल डाल के गैस को ऑन कर दिया है। तेल हमने 100 ग्राम लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा हो चुका है, इसमें हम ये एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे तेल के साथ। टमाटर को तेल के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें ही हम आलू की कतली डालेंगे। इसको भी तेल और टमाटर के साथ फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करते रहेंगे। इसमें कतलियों हम 1 चम्मच पीसी हुई, 1 चम्मच नमक, ये कटी हुई 5-6 हरी मिर्च, इनको भी अच्छी तरह कतलियों के साथ मिक्स कर देंगे। पीसी हुई चटनी को, हरी मिर्च को इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। ये हमने छोटे बड़े आलू लिए हैं दोनों तरह के। कतलियों को हम चटनी के साथ और टमाटर के साथ, हरी मिर्च के साथ अच्छी तरह 5 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। इसमें खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। 5 मिनट हमारी कतलियों को फ्राई करते हुए हो चुके। अब इसमें हम कटी हुई हरी प्याज डालेंगे। ये 5-6 हमने हरी प्याज काटी थी धो के अच्छी तरह, इसको भी कतलियों में डाल देंगे। हरी प्याज को भी कतलियों के साथ अच्छी तरह फ्राई करते रहेंगे। इस तरीके से चटनी डालने से हमारी कतलियों में खुशबू मसाला बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि उसमें लहसुन जीरा डाल के हमने चटनी को पीसा था थोड़ा दरदरा। इसमें हम ये थोड़ा कटा हुआ कतली में हरा धनिया डाल देते हैं, इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। धनिया को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। कतलियों को हमें हरे धनिया हरी प्याज के साथ तलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। ये 1 गिलास पानी, आधा गिलास और डालेंगे। ये आधा गिलास पानी हम और डाल रहे हैं। अब इसको हम एक दफा चला देते हैं और इसमें 1 से 2 सीटी लगा लेते हैं। 1 से 2 सीटी लगा लेते हैं कतलियों में। 2 सीटी आ चुकी है हमारी कतलियों में। ये बन के तैयार हो चुकी है। इसको एक दफा चला देते हैं। ये देखिए, ये गल भी चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी आलू की कतलिये बन के तैयार हो चुकी है। ये आप चावल के साथ और पराठों के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में। आप आलू की कतलियों को सर्दियों में जरूर बनाएं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।